अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं विजुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 41 to 45 तक कवर करवाने वाली हूँ, जो कि बेसिकली इसके लास्ट टॉपिक्स हैं फाइनल टर्म्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली चैप्टर नंबर 41 का टाइटल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में। अब बेसिकली अगेन समझने के नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है कि जिसमें जो आपकी है मैसेज जो आपका कन्वे करते हैं उसमें आप वर्ड्स तो यूज़ करते हैं, बट उसमें आपके वर्ड्स इतने मैटर नहीं करते जितना आपका अनइंटेंशनल और इंटेंशनल बिहेवियर मैटर करता है, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, पोस्चर्स वगैरह। अब सेकेंडली ये बात की गई है कि इसमें कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से यूज़ होते हैं। सो इसमें लेटर्स, टेलीफोन, फैक्स या जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं। और फर्दर ये कि अब इसमें जो है वो ट्रांसमिट करते हैं आप मैसेजेस लाइक थ्रू योर लेटर्स, टेलीफोन, फैक्स हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, किसी भी किस्म का जो आपका चैनल है उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस की। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन सेंस के जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो किस तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेंडर और रिसीवर के थ्रू एक होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सीन है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, मतलब कि एक सेंडर है जो आपको कुछ सेंड कर रहा है, एक रिसीवर है जो किसी चैनल के थ्रू वो सारी चीज़ें दे रहा है। चैनल इन सेंस के वो आपका व्हाट्सएप हो सकता है, वो आपका ईमेल हो सकता है, वो आपका ट्विटर हो सकता है, कोई भी जो आपका मीडियम है उसके ज़रिए आप वो जो कम्युनिकेशन है वो आप रिसीव कर सकते हैं। फर्दर यहाँ बात कर रहे हैं वो लेटर्स वर्सेस मेमोड्रम्स की। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें जो लेटर्स हैं उन्हें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहा गया, बल्कि जो मेमोज हैं उनको इंटरनल कम्युनिकेशन कहा गया एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो लेटर्स हैं वो आप विद इन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है, बल्कि जो मेमोज हैं वो आप एक ही कम्युनिकेशन में मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हो, मतलब किसी स्टाफ मेम्बर का लाइक एक कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे कोई लॉयर डिपार्टमेंट में वो लेटर्स आ रहे हैं उनको आप मेमो कह सकते हो। फर्दर ये कि यहाँ पे बात की गई है टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में। सो लेटर्स की वेरियस टाइप्स हैं जो कि उनके पर्पसेस के अकॉर्डिंग मतलब के वेरी करती हैं, जैसे कि इंक्वायरी लेटर्स हैं जो कि बेसिकली यूज होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उसके अलावा ऑर्डर लेटर्स हैं जो कि प्लेस परचेज ऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है, और सेकेंडली जो कंप्लेन लेटर जो किसी भी किस्म के इशू को एड्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके रिगार्डिंग वो यूज़ होता है। एडजस्टमेंट लेटर्स हैं, एडजस्टमेंट लेटर्स इन सेंस कि ऐसे लेटर्स हैं जो कि अकाउंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि अब आपने कोई परचेज किया फर्नीचर की किसी भी कंपनी से तो उसका जो पेमेंट लेटर है या इस किस्म के जो लेटर्स हैं उसके लिए यूज़ होता है। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली ये है कि वो गैदर करता है डिफरेंट किस्म की आपकी इंफॉर्मेशन और उसको मतलब कि अरेंज करता है उस डाटे को एक यूजफुल तरीके से, और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। फर्दर एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है सारा प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया ड्यूटी फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के बारे में बात करें, मतलब जो उसकी ड्यूटीज़ हैं। सो बेसिकली उसकी ड्यूटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैदर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वो गैदर करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है उस इन्फॉर्मेशन को आपकी कंपनी के अंदर बिटवीन योर कंपनी सर्कल। आप फर्दर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो वेरियस इंडिविजुअल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सब चीज़ों के यूज़र्स होते हैं, जैसे कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आपका प्लानिंग स्टाफ है जो कि बेसिकली रिले करता है उस इन्फॉर्मेशन ताकि वो इन्फॉर्म किस्म के डिसीजन जो है वो ले सकें। डाटा वर्सेज इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। सो इन सेंस के डाटा रेफर करता है रो फैक्ट्स और फिगर्स, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब एक प्रोसीडर, एक गिवन मटेरियल है। इन सेंस के जो डाटा है वो उसमें आपके नंबर ऑफ थिंग्स आ सकती हैं, और जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपका एक एनालाइज, एक प्लान, एक प्रॉपर एक मटेरियल वो आप प्रोवाइड करते हैं। लास्टली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वाइटल है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज के इनोवेशन, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट, और फर्दर ये कि ग्लोबल डाटा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चैप्टर नंबर 42 देख लें। सो इसमें बात की गई एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यू ऑप्शंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये जो अप्रोच है ये एम्फोसाइज करते हैं लर्नर्स को कि वो ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करें, कोलैबोरेशन में हेल्प आउट करें, वर्क प्लेसेस को देखें, उसकी उसके अलावा उसकी इंडिपेंडेंस को देखें,
और मैनेजमेंट प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें थ्रू यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एक्सेट्रा। सेकेंडली बात की गई एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग की, ईआरपी की। अब ईआरपी जो है वो एक सिस्टम है जो कि हेल्प करता है मैनेज करने में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज को, जो कि कंप्यूटराइज टूल्स में यूज होता है। एंड थर्डली यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सेंस के डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट एंड नॉलेज जो कि वर्क कर रहे हैं। बेसिकली स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि आपको रिक्वायर है रिक्वायर्ड नॉलेज के लिए। फोर्थली यहाँ पे बात की गई है कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर्स की। सो इन सेंस के ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये बेसिकली मीट करता है आपकी यूनिक किस्म की नीड्स को, वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स के फंक्शनल एरियाज या बिजनेस प्रोसेसेस, इसमें सब चीज़ें आपकी व्हाट्सएप के जिसके फंक्शनल एरियाज के प्रोसेसेस हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इन सब चीज़ों में। और सिक्सथली यहाँ पर बात कर रहे हैं वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन सेंस के सॉरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं MIS की। सो MIS इन सेंस के ये आपको प्रोवाइड करता है एक मैनेजमेंट जो कि आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में इन्फॉर्म करती है। उसके बाद है सिक्स पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। सो ये बेसिकली प्रोसेस है जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो असिस्ट करती है मैनेजमेंट में, उसके लिए वो डिसीजन मेक्स होते हैं इसके रिगार्डिंग। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क इन सेंस के एक नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को किसी भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें जिसमें आपके डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल डेटाबेस है, पीपल्स हैं, टेली कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो आपकी कम्युनिकेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड होती हैं। और लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो अकाउंट्स की। सो अकाउंटिंग इन सेंस बेसिकली के जो आपके जो प्रोसेस है आपका रिकॉर्डिंग का, समराइज का और रिपोर्ट करने का किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उन सब चीज़ों को ये हैंडल करती है और एक बैलेंस शीट बनाती है, एक इनकम स्टेटमेंट बनाती है जो कि इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। और फर्दर ये कि जो अकाउंटिंग है बेसिकली रिकॉर्ड रखती है और रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, और उसके अलावा एक जर्नल बेसिकली लेडर के लिए भी यूज़ होती है। चैप्टर नंबर 43 को देख लें। सो इसमें भी बात की गई है अकाउंटिंग्स के बारे में। सो अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि रिकॉर्ड करता, समराइज करता, रिपोर्ट करता फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एज मैंने पहले बताया आपको। अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात की गई है, इन सेंस कि ये एक डिफाइंड टाइम फ्रेम है जिसमें जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज किया जाता है और समराइज किया जाता है। सेकेंड स्टेप जो है वो समराइजिंग है जिसमें कि एक्ट ऑफ क्रिएटिंग है, मतलब कि वो कंसाइज करते हैं एक मतलब कि ऑल रेवेन्यू स्कोर्स का जो मटेरियल है उसको। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि डिस्प्ले करते हैं आपके रेवेन्यूज एक्सपेंसेस और आपके प्रॉफिट और लॉस को। प्रॉफिट की बात करें तो वो रेवेन्यूज जो कि एक्सीड करते हैं अपने एक्सपेंस, उनके रिजल्ट में पॉजिटिव फाइनेंशियल आउटकम्स आते हैं। लॉस की बात कर लें तो वो जब सरप्लस करते हैं उसमें नेगेटिव फाइनेंशियल आउटकम्स आते हैं। बुक कीपिंग की बात करें सो जो रिकॉर्डिंग्स हैं किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, इसके बारे में डिस्कस किया गया जो कि वन पार्ट ऑफ बॉर्डर अकाउंटिंग प्रोसेस है। और अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग की बात करें सो बुक कीपिंग वो फोकस करते हैं रिकॉर्ड करने में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग की वो बेसिकली वो एनालाइज करें इंटरप्रेटिंग करें इस किस्म की इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है AIS। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर मेथड जो कि आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है डिफरेंट किस्म की रिटेनिंग फाइनेंशियल डाटा को, और वो यूज़ करता है क्रिएटिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स वगैरह को। अब फर्दर यहाँ पे वो बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो पहले है इंटरनल ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिटर इन सेंस की जो कंपनीज हैं बेसिकली ये एम्प्लॉयज बेसिकली कंपनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल करती हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो असेस कर सकें इंटरनल कंट्रोल को, और उसके अलावा आइडेंटिफाई कर सके किसी भी किस्म के फ्रॉड को या मिसमैनेजमेंट हो रही है उसको। एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर लें सो इसमें इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है जो कि असेस करता है एवेल्यूएट करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके अलावा वो ऑडिट फर्म्स में भी वर्क करते हैं, उसके लिए भी वर्किंग कर रहे होते हैं। सेकेंडली यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो
जो बिजनेस मैनेजर और मैनेजमेंट्स हैं, अब इसमें बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन ताकि वो गोल सेट कर सकें, बजटिंग कर सकें, एवेल्यूएट कर सकें प्रोस्पेक्टस को। सेकेंडली जो एम्प्लॉयज और यूनियन है वो बेसिकली इसे यूज़ कर रही होती है अपने बेनिफिट्स के लिए और प्लानिंग्स के लिए। इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स के बारे में बात करें तो वो एस्टिमेट रिटर्न रखते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो सकता है, क्रेडिट वर्थनेस हो सकता है इसमें। बैंक्स जो है वो एनालाइज करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, जैसे कि लोन की रिपेमेंट है। टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जो कि प्लान करती हैं आपके टैक्स कलेक्शन को, डिटरमाइन करते हैं लाइबिलिटीज़ को और एक प्रॉपर पेमेंट को इंश्योर करती हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो फुलफिल कर रही हैं आपकी पब्लिक ड्यूटीज़ को, जनरली एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, मतलब GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब बेसिकली ये एक्सेप्ट कर रही होती हैं आपके रूल्स और प्रोसीजर्स को जो कि आप गवर्न कर रहे होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू, और इसके अलावा ये इंश्योर करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को और आपकी एक्यूरेसी को, किसी भी बेसिकली कंपनी की एक्यूरेसी को। चैप्टर नंबर 44 पे चले जाएं, सो 44 का बेसिक कहते हैं टूल्स ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेड। अनसेंस के जो टूल्स फॉर द अकाउंटिंग ट्रेड है उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि बेसिकली ये प्रिंसिपल कह लें, टूल कह लें, जो कि आप अपने अकाउंटेंट्स में यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी अकाउंटिंग एक विगिन इंक्लूड होती है, डबल एंट्री अकाउंटिंग इंक्लूड है, या मैचिंग प्रिंसिपल्स वगैरह इसमें आपके ऐड होते हैं। अब अकाउंटिंग एक विगिन इन सेंस के जो आपका एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं जो आपकी यहाँ पे बताई गई हैं, मतलब एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब ये जो इक्वेशन है ये हेल्प करती है मेंटेन करने में बैलेंस को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, और डिफाइन करने में एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, ऑनर्स की इक्वालिटीज़ को। सेकेंडली बात की गई है डबल एंट्री अकाउंटिंग की, तो एक सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो उनको रिकॉर्ड रखा जाता है और टू एंट्रीज की जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट को, जो कि इंश्योर करती हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस को जो कि रिमेन बैलेंस्ड रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लें, सो बेसिकली इसमें रिपोर्ट समराइज करते हैं आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की, जिसमें आपके डिसीजन मेकिंग भी आता है। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, सो ये एक स्नैपशॉट है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन का किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, जो कि शो करता है उसके एसेट्स को, उसके लाइबिलिटीज को, ओनर्स की इक्विटी को। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस लास्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया। ट्रायल बैलेंस इन सेंस के जो आपका एक स्नैपशॉट है या जो आपके एक लिस्ट और एक टोटल डेबिट है किसी भी क्रेडिट अकाउंट्स का एक गिवन पीरियड में, उसके बारे में जो कि यूज़ करता है या जो कि चेक के तब के डेबिट और क्रेडिट्स को ताकि वो इक्वल रहें या इक्वल हैं, और उसके अलावा जो इसमें एरर्स आ रहे हैं अकाउंट बैलेंसेज में वो भी ना आए, मतलब ट्रायल बैलेंसेज आपका बेसिक लिस्ट ले सकते हैं ताकि आप एक लिस्ट बना सके अपने डेबिट और जो क्रेडिट अकाउंट्स हैं उनके बारे में। चैप्टर नंबर 45 को देख लें, सो बेसिकली अब इसमें बात की गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो बेसिकली एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मॉनिटर करती है रिसोर्सेज को ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली वो है वो ग्रैप कर सके, उसे अचीव कर सके। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में। सो इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि लिस्ट करती है आपके एनुअल रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को ताकि वो एक एनुअल प्रॉफिट और लॉस शो कर सके। अब रेवेन्यू इन सेंस कि वो फंड्स हैं जो कि आपको मिलते हैं किसी भी अपने गुड या सर्विस को सेल करने पे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ऑब्टेन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सोल्ड करने के बाद। ग्रॉस प्रॉफिट कह लें या ग्रॉस मार्जिन है थर्ड पे जो बात की गई है। सो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन इन सेंस कि जो आपकी रेवेन्यूज हैं जो कि गुड्स सोल्ड हुए हैं उसमें से आप माइनस करते हैं जो आपके गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको कॉस्ट करते हैं इंक्लूड करने में प्रोसीड करने में गुड और सर्विसेज को, उसमें आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स की जो सोल्ड हो चुके हैं वो एक्सक्लूड होता है। ऑपरेटिंग इनकम की बात की गई, ऑपरेटिंग इनकम इन सेंस कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और नेट इनकम जो है आपकी बेसिकली वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिसमें आपके इनकम टैक्स भी आते हैं। रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं फर्दर यहाँ पे। सो रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट इन सेंस के जो आपकी रेवेन्यू बेसिकली उसकी इनकम क्या है, वाइल जो आपका प्रॉफिट है उसके जो रिमेन डिडक्टिंग एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू के वो क्या हैं,
और ट्रेडिंग कंसर्न में बात की गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाय करती है गुड्स फॉर द रीसेल, और उसके अलावा वो रेवेन्यू करती है डिफरेंस, मतलब जो उसके रेवेन्यू में डिफरेंसेस आ रहे हैं बाइंग और सेलिंग प्राइसेस में, उसको डिस्कस किया गया। फाइनेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो इन सेंस के इसमें इन्वॉल्व होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फर्दर ये कि ये जनरेट करती है रेवेन्यूज किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, डे टू डे फाइनेंशियल एक्टिविटीज इसमें आती हैं, और सेकेंडली यहाँ पे रोल ऑफ फाइनेंशियल पीपल इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें जुड़ते हैं, जैसे कि मैनेज करना कैश फ्लो को, फाइनेंशियल कंट्रोल को, फाइनेंशियल प्लानिंग को डील करना, मतलब बैंक के साथ सब चीज़ें फाइनेंशियल पीपल्स के मैनेजमेंट के कामों में आती है। रेशियो एनालिसिस की बात की गई है, रेशियो एनालिसिस इन सेंस के जो एग्जामाइन करना रिलेशनशिप बिटवीन योर फाइनेंशियल फिगर्स, और लास्ट में बात की गई है बजट के बारे में। सो एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें आप एस्टिमेट रिसिप्ट रखते हो, एक्सपेंडिचर्स रखते हो किसी भी किस्म के, जो आपका प्रोजेक्ट है कोई भी फ्यूचर पीरियड है उसके बारे में, और इसमें आपकी इंटरनल प्लानिंग्स होते हैं, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग यूज होती हैं। सो इसके साथ ओवरऑल हमारा ये जो सिलेबस था MGT 2 1 का ये ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई शॉर्ट नोट्स चाहिए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए अगेन कहूँगी अपडेटेड।